और इस बीच ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दो गुट आपस में भिड़ गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कूच बिहार जिले में दिनहाटा इलाके में ये झड़प हुई है। एक गुट ने दूसरे गुट पर बम से हमला कर दिया। टीएमसी के दो गुट आपस में भिड़ गए। टीएमसी दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया है। झड़प में कई तरह की तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आ गई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, टीएमसी के दो गुट आपस में भिड़ गए। पश्चिम बंगाल में दो गुटों की झड़प में कई लोगों के घायल होने की खबर, तस्वीर इस वक्त आपके सामने। सबसे पहले आप देख रहे हैं, बम से हमला किया गया है। ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता से पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। पूजा, बम से धमाके, बम से अटैक किया गया है, आपस में बताया जा रहा है। टीएमसी के कार्यकर्ता थे, टीएमसी के दो गुट थे, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के कुचबिहार जिले के दिनहाटा की ये घटना है। इलाके का नाम है नाजीरहाट। वहां पर आज सुबह से तृणमूल कांग्रेस के दो फैक्शन आपस में भिड़ जाते हैं। एक फैक्शन जो है दूसरे ग्रुप पर बम फेंकते हैं और लगातार जो है करीब डेढ़ घंटे तक ये आपस में दोनों गुटों में जो है बमबारी जो है वो चलती रहती है, स्टोन पेल्टिंग होती है और कई लोग जो है घायल भी होते हैं। अभी की आपको परिस्थिति बता दें कि पुलिस जो है बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची है और जो लोग हुए तो उन्हें फिलहाल अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हालांकि सिचुएशन जो है ग्राउंड पर अभी भी काफी टेंस्ड है, लेकिन पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है ये दोनों गुटों को अलग कर देने की, क्योंकि काफी ऐसी, जैसे आप बता भी रही थी, हमने ऐसी तस्वीरें देखी है जहां पर बाइकों को आग के हवाले कर दिया गया है। ये तृणमूल कांग्रेस का जो कार्यालय है, जो पार्टी ऑफिस के ठीक बाहर हुआ है, तो फिलहाल पुलिस परिस्थिति आपके पास। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है जो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए टीएमसी के दो गुट आपस में कैसे भिड़े और यहाँ पर किस तरीके से आगजनी की घटना सामने आई, यहाँ पर आम लोगों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ा, वो जरा देखिए। आपस में दो गुट आपस में भिड़े और उसके साथ ही बताया जा रहा है कि बम से हमला किया गया है। बम से हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। टीएमसी दफ्तर के बाहर जो तमाम व्हीकल्स खड़े हुए थे, जो गाड़ियां खड़ी हुई थी, जो बाइकें खड़ी हुई थी, उनको आग के हवाले कर दिया गया। वजह जो भी रही हो, लेकिन इस तरीके की हिंसक घटना कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। प्रशासन आखिर क्यों मूक दर्शक बन जाता है ऐसी घटनाओं पर, यह बड़ा सवाल होता है। पश्चिम बंगाल में आज दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, कभी किसी की हत्या कर दी जाती है, कभी हिंसक प्रदर्शन किए जाते हैं, कभी आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं। आखिर टीएमसी के कार्यकर्ताओं की इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिलती रहती हैं और इसमें जो तस्वीर सामने आई है वो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी के दफ्तर के बाहर की तस्वीर है जहां पर तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। सीसीटीवी में आप देख रहे हैं किस तरीके से बम से हमला हुआ, एक शख्स लेटता हुआ नजर आया और कैसे उसने बम को बड़े ही आसानी से सामने की जगह रखा, यानी कि पूरी तरीके से किसी को कोई डर नहीं है। पूजा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, सवाल यह कि सीसीटीवी में तमाम लोग कैद भी हुए हैं जो इस तरीके के बम की घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में कोई एक्शन लिया है, गिरफ्तारी हुई है? पूजा, देखिए अभी तक जो है किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्योंकि पुलिस के लिए ये प्रायोरिटी है कि पहले इलाके में पहुंचकर शांति बनाए रखे, क्योंकि फिलहाल जो है जो लोग इंजर्ड हुए थे उनको अस्पताल पहुंचाया नहीं जा पाया था। तो पुलिस जो है, जो लोग इंजर्ड हुए हैं ये दोनों गुटों के बीच में जिस तरीके से ये स्टोन पेल्टिंग हुई है और इस तरीके से बम फेंके गए हैं, तो जो लोग इंजर्ड है उन्हें सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने का काम किया जा रहा है और दोनों गुटों को अलग किया जा रहा है और उसके बाद ही अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया पूजा विस्तार से जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल, आप देख रहे हैं एक तस्वीर ये जो हमने आपको दिखाई। दूसरी ओर अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, माता रानी के मंदिर, काली माँ का पूजा अर्चन करने के लिए यहां पर पहुंचे अमित शाह। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह का दो दिन का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। इस दौरे को पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता और वहां के नेताओं में किस तरीके से जान फूंकते हुए नजर आएंगे अमित शाह, वो भी देखना होगा, चूंकि तमाम बैठकें चल रही हैं। लेकिन इस बीच आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, पहले से तय था कि वो पहुंचेंगे, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं अमित शाह, क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। आज मेरे बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत समग्र भारतवर्ष की चेतना स्थली, जहां से कई लोगों ने ऊर्जा प्राप्त करी, ऐसे दक्षिणेश्वर माँ काली के मंदिर से की। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं, जब भी आया यहां से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर वापस गया हूं। ये बंगाल की महान भूमि, चैतन्य महाप्रभु स्वामी
प्रणवानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें। आज मां काली से समस्त बंगाल की और देश की जनता की मंगल कामना मैंने की है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में अपना गौरवमय स्थान प्राप्त करे, यही मेरी मां काली के चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। मीडिया से मुखातिब होते हुए तमाम बातों को यहां पर रखते हुए अमित शाह को आपने सुना, उन्होंने कहा तुष्टिकरण की राजनीति जिस तरीके से हो रही है उसका भी जिक्र करते हुए नजर आए। अमित शाह का यह दौरा पश्चिम बंगाल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आने वाले दिनों में चूंकि वहां पर इलेक्शन होना है, इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है यह दौरा। हालांकि वो इस वक्त काली मां के मंदिर पहुंचे हैं पूजा अर्चना के लिए। वो तस्वीरें आप आपको दिखा रहे हैं, लगातार मंदिर में पहुंचते हुए एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखते हुए, माता के दर्शन करते हुए, पूजा पाठ करते हुए तस्वीरें जी हिंदुस्तान पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।